फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और इस वीडियो में केवल तीन ही टॉपिक कवर किए हैं मैंने। और ये तीन टॉपिक हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इससे पहले कि हम ये तीन टॉपिक कवर करें, कुछ फंडामेंटल चीजें पढ़ लेते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और इट इज साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई एज अंडर। अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं की गई है तो आपको ध्यान रखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ये पांच प्रोविजन है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको कंसीडर करने होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया गया है तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर की ड्रॉइंग पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, लोन्स बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर उस पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। पांचवा और लास्ट प्रोविजन है सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। कोई भी पार्टनर फर्म के लिए कितना ही काम क्यों ना करता हो, उसको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। इन पांच प्रोविजन के बाद समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट जो भी कमाया गया है उसको पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से अप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ये शो करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। इसका फॉर्मेट देखते हैं। क्रेडिट साइड में आपको शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर में कितना प्रॉफिट फर्म ने कमाया, ये वो फिगर होगी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको रेजिडुअल फिगर, बची फिगर मिल जाएगी। क्रेडिट साइड में लिखा जाने वाला दूसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। सपोज दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, तो उनकी ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। फिर ये क्रेडिट साइड दोनों आइटम का टोटल करके लिखना है। डेबिट साइड में हमें शो करना है पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या क्या मिलने वाला है। पार्टनर्स की कैपिटल पर मिलने वाला इंटरेस्ट, पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी, पार्टनर्स को मिलने वाली कमीशन, प्रॉफिट का कितना हिस्सा है जो पार्टनर्स अभी डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, जिसको वो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई और अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का, फॉर एग्जांपल पार्टनर्स ने कहीं किसी को डोनेशन दिए, वो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना है। तो क्रेडिट साइड के टोटल को लिखना है। इस टोटल में से ये सारे आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व या डोनेशन, ये सब माइनस करने हैं, ये पांचों आइटम माइनस करने, तो जो बची हुई फिगर होगी, इस बची हुई फिगर को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट जो भी पार्टनर्स होंगे उनमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दी जाएंगी। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया गया है तो प्रॉफिट इक्वली बांटी जाएगी। अक्सर बच्चे कुछ पॉइंट में गलतियां करते हैं, तो ये पॉइंट आपको खास ध्यान रखने हैं। Following items are charges against profit and hence these are shown only in the profit and loss account, not in the profit and loss appropriation account. ये चार पॉइंट हैं स्पेसिफिकली मैंने यहाँ लिखे हैं। ये चारों ही पॉइंट बिजनेस के एक्सपेंसेस माने जाते हैं, इसलिए इन चारों ही पॉइंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन आउटसाइडर्स लोन, अगर बाहर से किसी से लोन लिया उस पर भी इंटरेस्ट देना है, वो भी बिजनेस का एक एक्सपेंस है।
सैलरी और कमीशन टू मैनेजर, फर्म के मैनेजर को कोई सैलरी या कमीशन दी जाएगी, वो भी बिजनेस का खर्चा है। और रेंट टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई पोर्शन फर्म को यूज करने के लिए दिया है तो उस बिल्डिंग पर दिया जाने वाला रेंट भी बिजनेस का एक्सपेंस है। तो ये चारों ही पॉइंट आपको कहाँ लिखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है इनको। ये जर्नल एंट्रीज हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पर, इसके लिए एंट्रीज क्या होती हैं। फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, इसके लिए एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसा भी केस हो। ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड एंट्री है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जब ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो इससे पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, इसलिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड एंट्री है फॉर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, फॉर अलाउइंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, एंट्री होगी सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट, पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी या कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाता है, इसलिए एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। फोर्थ एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, प्रॉफिट का कोई हिस्सा अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा तो इसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। पांचवी और लास्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट जब पार्टनर्स में बांटा जाएगा इसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसके बाद समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड द सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। क्योंकि इसका नाम ये देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसका मतलब हुआ कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेंगी, वो बदलती नहीं है। तो जो भी एंट्रीज होंगी जो पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी एंट्री आपको कैपिटल अकाउंट में ना लिख करके पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखनी होंगी। दो अकाउंट इस मेथड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, इनका फॉर्मेट देखते हैं। कैपिटल शुरुआत करनी है आपको बैलेंस पीटी से, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस साल की शुरुआत में कितनी कैपिटल थी, ये ध्यान रखना है। जब कैपिटल फिक्स होती है केवल दो ही तरह की एंट्रीज होती हैं जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट कर सकती हैं, एक होती है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और दूसरी होती है परमानेंट विड्रॉवल फ्रॉम कैपिटल। तो केवल यही दो एंट्री हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करनी है। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, फिर आपको लिखना है क्रेडिट साइड में कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर कोई पार्टनर ईयर के बीच में कभी कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आएगा तो वो कैपिटल को आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड में, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। परमानेंट विड्रॉवल फ्रॉम कैपिटल, अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल से विड्रॉवल करता है तो इसे आपको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना है, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है। पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो ये रूल आपने सीख रखा है, कैपिटल डिक्रीज होगी तो वो डेबिट कर दिया जाता है। बैलेंस रेडी होता है कैपिटल का, क्लोजिंग बैलेंस, ईयर एंड पर कैपिटल कितनी बची है।
दूसरा अकाउंट बनाया जाता है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की शुरुआत भी करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस से होती है। फिर आपको क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम लिखने हैं जिससे पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। ये सारे वही आइटम है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का हिस्सा। इन सभी पॉइंट्स को आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है। डेबिट साइड में वो सारे आइटम लिखे जाएंगे जिनसे पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। पार्टनर ने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स पर चार्ज किया गया इंटरेस्ट, अगर कोई लॉस हुआ तो शेयर ऑफ लॉस। बैलेंस शीट ही रिप्रेजेंट करेगा करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को। दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट मीन्स बदलते रहना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स नहीं होती है, कैपिटल का बैलेंस बदलता रहता है, इसलिए इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं। इस मेथड में ध्यान रखना है केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है और वो होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में करंट अकाउंट नहीं होता है। जो भी ट्रांजेक्शन ऊपर करंट अकाउंट में लिखी थी वो सब ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। आप देख सकते हैं करंट अकाउंट में बैलेंस बी डी था, यहाँ कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बी डी होगा, मतलब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। बाकी सारे पॉइंट जो करंट अकाउंट में लिखे थे हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, वही सब देखिए आप कैपिटल अकाउंट में भी लिखे जाते हैं। वही सारे पॉइंट जो करंट अकाउंट में डेबिट साइड में थे, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, वही सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आइए अब इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है जो ऑलरेडी आप ये कैलकुलेशन सीख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सारे पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन करे हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर आर इन पार्टनरशिप विद कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख क्रेडिट बैलेंस, ₹1 लाख क्रेडिट बैलेंस एंड ₹10,000 जेड डेबिट बैलेंस एज ऑन 1st April 2016। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेज हैं साल के शुरुआत में। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, ये सब उनके पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है। 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, हर साल जितना भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा एंड आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। ड्राइंग पर 12% का इंटरेस्ट लिया जाएगा। जेड इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर। जेड की सैलरी होगी ₹2,000 पर क्वार्टर। एक क्वार्टर के अगर ₹2,000, एक साल में चार क्वार्टर आते हैं तो एक साल की सैलरी हुई ₹8,000। जेड इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन। एक्स को 10% कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट का कोई भी बंटवारा करने से पहले एक्स को उस प्रॉफिट का 10% कमीशन के फॉर्म में दिया जाएगा। वाई इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। वाई को भी कमीशन मिलनी है पर यह 5% है ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये उस नेट प्रॉफिट पर है आफ्टर मेकिंग ऑल अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग हिज कमीशन, जो कि सारे अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग इसकी कमीशन भी देने के बाद बचेगा। उस प्रॉफिट के ऊपर 5% वाई को कमीशन मिलेगी। एक्स हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी टू द फर्म फॉर यूज ऑफ द बिजनेस। एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को दी है बिजनेस यूज के लिए। रेंट ऑन विच इज एग्रीड टू बी ₹2,500 पर मंथ, जिसके ऊपर ₹2,500 पर मंथ का रेंट दिया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रू ₹1,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। साल के शुरुआत में एक्स ने ड्राइंग्स की हैं 1000
इस पूरे साल में एक्स ने ड्राइंग की है 1000 रुपये हर महीने की शुरुआत में, वाई ने ड्राइंग्स की हैं 1000 रुपये हर मंथ, डेट नहीं बताई गई है, जेड विड्रॉ रुपीज 1000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जेड ने ड्राइंग्स करी हैं 1000 रुपये हर महीने के एंड में। On October 1st, 2016, X Z granted a loan of rupees 6 lakh. 1 अक्टूबर को Z ने लोन दिया फर्म को 6 लाख रुपए का। क्योंकि ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल को और Z ने लोन दिया 1 अक्टूबर को, तो Z को लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने के लिए। Their manager is entitled to a salary of rupees 2500 per month. मैनेजर को सैलरी मिलेगी 2500 रुपये पर मंथ की एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन। और मैनेजर को कमीशन मिलनी है नेट प्रॉफिट का 10%, नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन, सभी एक्सपेंसेस और उसकी कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 10% मैनेजर को कमीशन के फॉर्म में दिया जाएगा। Net profit of the firm for the year ended March 31st, 2017 amounted to rupees 2,09,000. इस साल में फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 2,09,000 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर के कैपिटल बनाए जाने हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाए जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर 2,09,000 गिवन है, ये हमने क्रेडिट साइड में लिखा। इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन, अब याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया था ये 4 पॉइंट होते हैं जो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। पार्टनर के लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, कोई आउटसाइडर का लोन है उस पर इंटरेस्ट, किसी मैनेजर को सैलरी या कमीशन और किसी पार्टनर को मिलने वाला रेंट। तो इस क्वेश्चन में भी ये सब पॉइंट हैं। जेड ने लोन दिया था फर्म को 6 लाख रुपए का, पार्टनर के लोन पर कितना इंटरेस्ट होता है अभी हमने समझा था, 6% एक साल का इंटरेस्ट, और कितने महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा जेड को, 6 महीने के लिए। 6 महीने क्यों, क्योंकि जेड ने लोन दिया ये देखिए 1 अक्टूबर 2016 को, इसलिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये अमाउंट कैलकुलेट किया, ये आया 18,000 रुपये। रेंट मिलना है, क्योंकि एक पॉइंट लिखा था ये 6th पॉइंट, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी दी है जिस पर उसको 2500 रुपये पर मंथ रेंट मिलना है। तो 2500 रुपये पर मंथ, ये सॉरी इसको करेक्शन करते हैं, ये 1500 रुपये पर मंथ है, ये 1500 रुपये पर मंथ का रेंट, तो ये पूरे साल का रेंट हुआ 18,000 रुपये। मैनेजर को सैलरी मिलनी है 2500 रुपये पर मंथ, ये लिखा गया था, देखिए मैनेजर की सैलरी है 2500 रुपये पर मंथ, तो 2500 × 12 पूरे साल की सैलरी हुई 30,000 रुपये। इसके बाद कमीशन टू मैनेजर की कैलकुलेशन है, इसको जरा ध्यान से देखिए आप, 2,09,000 रुपये का प्रॉफिट है फर्म का, इसमें से हमने 18,000 रुपये जेड को मिलने वाले लोन पर इंटरेस्ट माइनस किया, 18,000 रुपये हमने माइनस किया रेंट जो कि एक्स को मिलना है उसकी प्रॉपर्टी पर, 30,000 रुपये मैनेजर की सैलरी माइनस कर रही है, ये सारे बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा इसका 10/110, इसका 10/110 क्यों किया, क्योंकि मैनेजर को कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हिज कमीशन। मीन्स जब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन भी लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो प्रॉफिट बचा है उसमें उसकी कमीशन भी जुड़ी हुई है अभी तक, इसलिए इस आफ्टर चार्जिंग वाले केस में जितना परसेंट कमीशन होगा वही परसेंटेज आपको 100 में ऐड करना है, तो 10/110। अगर मैनेजर की कमीशन होती 20% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो हम यहाँ लिखते 20/120, तो इसको कैलकुलेट किया ये अमाउंट आया 13,000 रुपये। तो टोटल 2,09,000 रुपये में से ये 18,000, 18,000, 30,000, 13,000 ये चारों अमाउंट मैंने माइनस किए, ये फिगर बचती है 1,30,000 रुपये। ये 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट है जो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद दूसरा काम हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले हमने लिखा बचा हुआ प्रॉफिट 1,30,000 रुपये जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया गया है। फिर क्रेडिट साइड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों की ही ड्रॉइंग्स पर जो भी इंटरेस्ट आया ये वो लिखा है। ये वर्किंग नोट में कैलकुलेशन है, इसको एक बार देख सकते हैं। एक्स की ड्रॉइंग्स थी 1,000 रुपये पर मंथ, ये देख सकते हैं ऊपर आप क्वेश्चन में। एक्स की ड्रॉइंग ये देखिए यहाँ लिखी गई है, एक्स विड्रू रुपीज 1,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक्स की ड्रॉइंग्स हर महीने की शुरुआत में 1,000 रुपये, अगर एक महीने के 1,000 रुपये हैं तो 12 महीने के हुए 12,000 रुपये। वाई की ड्रॉइंग्स भी 1,000 रुपये पर मंथ है, जेड की ड्रॉइंग्स भी 1,000 रुपये पर मंथ है। जेड की ड्रॉइंग हर महीने के एंड में, एक्स की ड्रॉइंग हर महीने के बिगनिंग में, वाई की भी ड्रॉइंग हर महीने है पर कब है यह नहीं बताया। वर्किंग नोट देखिए, एक्स की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट 12,000 रुपये हुई एक साल की ड्रॉइंग, 6% इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोला गया। ये थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं जरा क्वेश्चन में, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट 6%, ये गलती से 12% लिख दिया, 6%। तो 12,000 रुपये की ड्रॉइंग 6% इंटरेस्ट 6.5 महीने, ये ऑलरेडी जब आपको ये टॉपिक समझाया था मैंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, वहाँ ही डिटेल में समझाया गया था कि ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर ड्रॉइंग्स हर महीने के बिगनिंग में होती है तब इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है 6.5 महीने के लिए। तो ये सॉल्व किया गया 390 रुपये। वाई की ड्रॉइंग्स 1,000 रुपये पर मंथ गिवन है क्वेश्चन में, पर कब ड्रॉइंग करी है ये नहीं पता। ड्रॉइंग्स बिगनिंग में भी हो सकती हैं हर मंथ के, मिडल में भी हो सकती हैं और एंड में भी हो सकती हैं। अगर डेट नहीं मेंशन तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ड्राइंग्स हर महीने के मिडल में हुई थी, क्योंकि ड्राइंग्स मिडल में थी इसलिए ड्राइंग पर इंटरेस्ट 6 महीने के लिए लगाया गया। ये आया 360 रुपये। जेड की ड्राइंग्स हैं 12,000 रुपये एक साल की, लेकिन ये ड्राइंग्स उसने हर महीने करी हैं एंड में, तो जब ड्राइंग्स हर महीने के एंड में होती है तब इंटरेस्ट 5.5 महीने के लिए लगाया जाता है। ये कैलकुलेशन करी, ये इंटरेस्ट मिला हमें 330 रुपये, इसलिए ये 390, 360 और 330 रुपये इंटरेस्ट ये हमने क्रेडिट साइड में शो किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। फिर टोटल क्रेडिट हुआ 1,31,080 रुपीज। डेबिट साइड में हमें शो करना है प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा हमने 13,000 रुपये, ये कैसे मिला क्वेश्चन में देखिए। ये लिखा था 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये 1,30,000 रुपये के प्रॉफिट का 10% 13,000 रुपये हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई, इसको जरा यहाँ समझते हैं। एक्स और वाई की कैपिटल देखिए 2 लाख और 1 लाख रुपये, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना है 10%, ये देखिए दूसरे पॉइंट में बताया गया। क्योंकि वाई की कैपिटल डेबिट है मींस नेगेटिव कैपिटल है, इसलिए वाई को कैपिटल पर, जेड की कैपिटल नेगेटिव है इसलिए जेड को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, केवल एक्स और वाई की कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 10%। 2 लाख की कैपिटल का 10% 20,000, 1 लाख रुपये की कैपिटल का 10% 10,000, इसलिए ये इंटरेस्ट लिखा गया एक्स और वाई की कैपिटल्स पर। जेड को इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जेड की कैपिटल डेबिट है, नेगेटिव कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इसके बाद सैलरी टू जेड, ये पॉइंट क्वेश्चन में था। जेड की सैलरी है 2,000 रुपये पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं इसलिए एक साल की सैलरी हुई 2,000 × 4, 8,000 रुपये। इसके बाद एक्स और वाई की कमीशन लिखी जाएगी डेबिट साइड में। कमीशन की कैलकुलेशन कैसे हुई, कैसे ये अमाउंट मिला, ये एक वर्किंग नोट में समझाया गया है। ये देखिए कमीशन पेबल टू एक्स, 1,30,000 रुपये के प्रॉफिट का 10%, ऐसा क्यों किया, एक बार इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। ये फोर्थ पॉइंट देखिए, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट
एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट है, बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन, मीन्स प्रॉफिट का कोई भी बंटवारा करने से पहले एक्स को कमीशन दी जानी है प्रॉफिट का 10%। इसलिए वर्किंग नोट समझिए, प्रॉफिट कितना था बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, 130,000 रुपये। तो इस 130,000 रुपये के ऊपर 10% एक्स की कमीशन, 130,000 का 10% 13,000 रुपये, ये एक्स की कमीशन लिखी गई है। देखिए कमीशन टू एक्स, उसके बाद है कमीशन टू वाई, वाई की कमीशन 6,000 रुपये कैसे आई है, इसके लिए वर्किंग नोट है। पहले एक बार वाई की कमीशन को दोबारा देखते हैं क्या लिखा गया था। Y is also entitled to a commission of 5% of the net profit after making all appropriation including his commission. Profit में से सभी तरह के appropriation कर देने हैं, उसकी commission भी दे देनी है, उसके बाद जो बचेगा amount उसका 5%। अब क्योंकि profit लेना है after charging his commission, उसकी commission देने के बाद भी, इसलिए 5/105 कर दिया जाएगा। ये देखिए working note। प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन 130,000 रुपये, ये जो प्रॉफिट लिखा गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर इसमें से हमें माइनस करना है, इस 130,000 रुपये के प्रॉफिट से हमें सारे अप्रोप्रिएशन को माइनस करना है। ये 13,000, 30,000, 8,000 और 13,000 की चार वो आइटम है जो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जा चुके हैं डेबिट साइड में। आइए दोबारा देखते हैं एक बार, 13,000 रुपये जनरल रिजर्व, 30,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8,000 रुपये सैलरी ऑफ जेड, 13,000 रुपये कमीशन ऑफ एक्स। 13,000, 30,000, 8,000, 13,000, 13,000, 30,000, 8,000, 13,000, ये चार पॉइंट हमने माइनस किए। प्रॉफिट सभी अप्रोप्रिएशन के बाद बचता है 66,000 रुपये का। इस प्रॉफिट पर कमीशन पेबल टू वाई इज 10/110, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, तो 6,000 रुपये। या थोड़ी सी करेक्शन कर देते हैं क्वेश्चन में, इसको गलती से मैंने 5% लिख दिए, वाई की कमीशन है 10%। कौन सा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग हिज कमीशन, ठीक है, 130,000 माइनस ये चारों अप्रोप्रिएशन जो डेबिट साइड में लिखे गए थे, 13,000, 30,000, 8,000, 13,000, 66,000 रुपये बचा। इसका 10/110 इसलिए क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग हिज कमीशन, उसकी खुद की कमीशन भी इंक्लूड करने के बाद, वही आफ्टर चार्जिंग कमीशन का केस है, इसलिए जितना परसेंट कमीशन है वो परसेंटेज वापस 100 में ऐड कर दिया गया है। तो वाई को कमीशन मिलनी है 6,000 रुपये। अब इस क्रेडिट के टोटल 1,31,080 रुपीज में से डेबिट साइड का ये टोटल 13,000, 30,000, 8,000, 13,000, 6,000 इन सबको माइनस किया, ये प्रॉफिट बचेगा 61,080 रुपीज। ये 61,080 रुपीज है डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में इक्वली बांट दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं था। ये देखिए कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा गया, इसका मतलब प्रॉफिट इक्वली बांटे जाने हैं, इसलिए इस डिविजिबल प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया गया है। ये कुछ नोट लिखे हैं, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। पार्टनर जेड के लोन पर मिलने वाला इंटरेस्ट, एक्स को मिलने वाला रेंट, मैनेजर की सैलरी और कमीशन, ये है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया है। जेड को कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया गया क्योंकि उसकी कैपिटल नेगेटिव है। पार्टनर के लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो इस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाता है, इसलिए जेड के लोन पर 6% इंटरेस्ट दिया गया है। अगर आप भी एग्जाम में इस तरीके से नोट लिखेंगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे एग्जामिनर पर। इसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से, साल की शुरुआत में एक्स और वाई की कैपिटल गिवन थी 2,01,000 रुपए, जेड की कैपिटल थी नेगेटिव, जेड की कैपिटल नेगेटिव थी इसलिए जेड का बैलेंस डेबिट में लिखा गया है। इसके बाद एक्स और वाई को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला था, ये सारे वही पॉइंट मेंशन किए हमने क्रेडिट साइड में जिनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा था।
प्रॉफिट का हिस्सा जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, इसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 10,000 देखिए कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जेड को मिलने वाली सैलरी, ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखा था, एक्स की कमीशन, वाई की कमीशन और प्रॉफिट का शेयर। ये देखिए कमीशन एक्स वाई के लिए, ये प्रॉफिट का शेयर। डेबिट साइड में वो बैलेंसेस जिनसे कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। ड्राइंग्स तीनों पार्टनर की, ड्राइंग पर चार्ज किया गया इंटरेस्ट। फिर ये क्रेडिट साइड का टोटल किया, इन क्रेडिट साइड के टोटल को यहाँ लिखा डेबिट साइड में, और इस टोटल में से डेबिट बैलेंसेस जो भी थे इनको माइनस किया। जैसे 2,53,360 लिखा हुआ है, इसमें से 12,000 रुपये और 390 रुपये को माइनस किया, 2,40,970 रुपये एक्स का कैपिटल बैलेंस है ईयर एंड पर, मतलब ये है क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही वाई और ऐसे ही जेड की क्लोजिंग कैपिटल को पता लगाया गया है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट बनाना भी सीखेंगे और एक एडजस्टमेंट और आ जाएगी इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ऑन January 1, 2016 देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹2 लाख एंड ₹4 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 जनवरी को साल की शुरुआत होने पर इनकी कैपिटल 2 लाख और 4 लाख रुपए थी। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑन दैट डेट वर ₹30,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। ये इनके करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस गिवन है। तो अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बैलेंसेस गिवन है, इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ऑन March 31, 2016 को मीन साल के 3 महीने हो जाने के बाद दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल शुड बी ₹8 लाख। उन्होंने तय किया कि उनकी टोटल कैपिटल जो होगी वो अब 8 लाख रुपये होगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस 8 लाख रुपये की कैपिटल को वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 में मेंटेन करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली इसके साथ लिए उन्होंने दे इंट्रोड्यूस्ड और विड्रू द नेसेसरी कैपिटल। इसलिए वो कैपिटल को अगर बैलेंस कम होगा तो लेके आएंगे, ज़्यादा होगा तो लेके जाएंगे। पार्टनरशिप डीड में ये सब कुछ मेंशन है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट है 12% पर एनम, कैपिटल पर इंटरेस्ट है 10% पर एनम, एक्स और वाई के लिए सैलरी है 3,000 रुपये पर मंथ और 4,000 रुपये पर मंथ रिस्पेक्टिवली, और ड्राइंग्स रही है ये एक्स और वाई की इस तरीके से, ये अलग अलग डेट है और ये ड्राइंग का अमाउंट है एक्स और वाई के लिए। प्रॉफिट कमाया इन्होंने 2 लाख रुपए का, 10% ऑफ द प्रॉफिट वाज टू बी कैप्ट इन रिजर्व। प्रॉफिट का 10% वो रिजर्व में रखना चाहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हमें बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, सबसे पहले ये करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन वर्किंग नोट में समझाई गई है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी आएगा 1,500 और 1,250 रुपये, एक बार इस वर्किंग नोट को समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग, ये देखिए ये अमाउंट किस तरीके से लिया गया, एक बार क्वेश्चन पर आते हैं वापस। एक्स की ड्राइंग्स हैं दो अलग अलग डेट पर। पहली ड्राइंग है एक्स की 1 जुलाई को 15,000 रुपये, दूसरी ड्राइंग है एक्स की 1 अक्टूबर को 20,000 रुपये। तो जो ड्राइंग एक्स ने 1 जुलाई को करी है, इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने के लिए। जो ड्राइंग एक्स ने 1 अक्टूबर को करी है, इस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर मतलब 3 महीने के लिए। इंटरेस्ट है 12%। वर्किंग नोट देखते हैं, ये देखिए x की ड्राइंग 15,000, 12% इंटरेस्ट। ये 15,000 की ड्राइंग की थी उसने 1 जुलाई को, इसलिए जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया गया। 20,000 रुपये की ड्राइंग x ने करी है 1 अक्टूबर को, इसलिए इस 20,000 रुपये की ड्राइंग पर 12% इंटरेस्ट लगाया गया है, लेकिन 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट बना 1,500 रुपये। ऐसे ही y की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। वाई की ड्राइंग भी 20,000 रुपये की है और इस पर इंटरेस्ट, यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी है कैलकुलेशन में, 12% की जगह 10% लिख दिए, ये 12% होना चाहिए।
इसकी करेक्शन कर लेते हैं एक बार। बारह परसेंट इंटरेस्ट ₹1200 और दूसरा इंटरेस्ट आएगा ₹300। टोटल इंटरेस्ट हुआ ₹1500। यहाँ थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी जना। वाई की ड्रॉइंग्स पर भी इंटरेस्ट ₹1500 ही बनता है। टोटल इंटरेस्ट हुआ ₹3000। क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा ₹2,03,000। दूसरा वर्किंग नोट समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है 10% पर एनम। एक वर्किंग नोट देखिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई इन द न्यू फर्म। टोटल फिक्स्ड कैपिटल नई फर्म की तय की गई है ₹8,00,000, जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर मेंशन किया गया था। On March 31st, 2016, they decided that their total fixed capital should be ₹8,00,000। 8,00,000 रुपए की कैपिटल को वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में रखना चाहते हैं। इसलिए इस 8,00,000 रुपए को जब आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो x और y की कैपिटल आ जाएगी ₹4,80,000 और ₹3,20,000। सिंस प्रेजेंट कैपिटल ऑफ x, ईयर के शुरुआत में x की कैपिटल थी ₹2,00,000, जबकि इसकी कैपिटल नई कैपिटल होनी चाहिए ₹4,80,000। इसका मतलब ही मस्ट ब्रिंग इन एक्स को ₹2,80,000 कैपिटल और लेके आनी है। ₹4,80,000 उसकी होनी चाहिए नई कैपिटल, ₹2,00,000 ऑलरेडी है, तो ₹2,80,000 एक्स को और लेके आने हैं। सिंस प्रेजेंट कैपिटल ऑफ वाई इज ₹4,00,000। साल की शुरुआत में वाई की कैपिटल थी ₹4,00,000, जबकि न्यू प्रॉफिट न्यू कैपिटल जो ये रखना चाहते हो उसमें y की कैपिटल होनी चाहिए ₹3,20,000। तो इसका मतलब y की कैपिटल ऑलरेडी ₹80,000 ज्यादा है। Hence he must withdraw ₹80,000। ₹4,00,000 प्रेजेंट कैपिटल है, नई कैपिटल होनी चाहिए ₹3,20,000। y इसका मतलब ₹80,000 बिजनेस से विड्रॉ करेगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया गया इसको समझते हैं। 10% का इंटरेस्ट बोला गया है। साल के शुरू में कैपिटल थी एक्स की ₹2,00,000। यह इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल ₹2,00,000 की कैपिटल थी, जिस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा तीन महीने। इसलिए क्योंकि ये कैपिटल मार्च तक रही बिजनेस में, जनवरी फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है ₹5,000। 31 मार्च को एक्स की कैपिटल बढ़ के हो गई ₹4,80,000। इसलिए ₹4,80,000 की कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट 9 महीने के लिए चार्ज किया जाएगा। ये कैलकुलेशन होती है ₹36,000। टोटल इंटरेस्ट जो एक्स को मिलेगा वो होगा ₹41,000। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन वाईज कैपिटल। साल के शुरुआत में वाई की कैपिटल थी ₹4,00,000, जिस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने, वही 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि ये ₹4,00,000 की कैपिटल बिजनेस में सिर्फ 3 महीने रही। 31 मार्च को वाई की कैपिटल घट के हो गई ₹3,20,000, क्योंकि नई कैपिटल वाई की ₹3,20,000 है। चेंज कब हुआ है? 31 मार्च को। इसलिए वाई की कैपिटल ₹3,20,000 पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 9 महीने का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 9 महीने के लिए इंटरेस्ट हुआ ₹24,000। टोटल इंटरेस्ट हुआ ₹34,000। वापिस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। ₹41,000 एक्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट, ₹34,000 वाई की कैपिटल पर इंटरेस्ट, टोटल हुआ ₹75,000।
एक्स और वाई की सैलरी, एक्स की सैलरी थी 3,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने के लिए हुआ 36,000, वाई की सैलरी थी 4,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने के लिए हुआ 48,000 रुपये, तो टोटल सैलरी हुई 84,000 रुपये। फिर इस क्रेडिट साइड के टोटल 2,03,000 रुपये में से जब इस सबको माइनस करेंगे तो ये अमाउंट बचेगा 24,000 रुपये। फिर इस 24,000 रुपये को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है, 3:2 में इसको बांट देते हैं। ये 3:2 में प्रॉफिट बांट दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी बनाए जाने हैं इसलिए प्रॉफिट और ये सारे आइटम जो प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन हैं ये सब पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये पार्टनर के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखिए, साल की शुरुआत 1 जनवरी कैपिटल का बैलेंस था 2,04,000 रुपये। 31 मार्च को कैपिटल चेंज हुई है, एक्स कैपिटल लेके आ रहा है 2,80,000 रुपये, वाई कैपिटल विड्रॉ कर रहा है 31 मार्च को 80,000 रुपये। एक्स की नई कैपिटल का टोटल हुआ 4,80,000, वाई की कैपिटल जो कि पहले 4 लाख रुपए थी 80,000 रुपये वाई ने विड्रॉ किए, वाई की नई कैपिटल होगी 3,20,000 रुपये। इसके बाद बनाए गए हैं पार्टनर के करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस साल के शुरुआत में करंट अकाउंट का बैलेंस 30,000 40,000 गिवन था। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन शुरू हुआ था, देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज ऑन दैट डेट, करंट अकाउंट के बैलेंसेज 1 जनवरी को थे 30,000 40,000 रुपये। ये देखिए करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, फिर ये पार्टनर को मिलने वाला कैपिटल पर इंटरेस्ट, सैलरी और प्रॉफिट का हिस्सा। ये फिगर ट्रांसफर की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से डेबिट टू क्रेडिट, क्रॉस ट्रांसफर होता है एक अकाउंट में। प्रॉफिट में करेक्शन थी इसको यहाँ भी कर लेते हैं, प्रॉफिट मिलेगा 14,400 रुपये एक्स को, 9,600 रुपये वाई को, तो उस हिसाब से थोड़ी सी करेक्शन है बस ये। एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 1,21,400। इस 1,21,400 रुपये में से डेबिट साइड पार्टनर की ड्राइंग, ये एक्स की ड्राइंग 30,000 रुपये, एक्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट था 1,500 रुपये, ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 84,900 रुपीज एक्स के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। वाई का क्रेडिट साइड का टोटल है हमने देखा 1,31,600 रुपये, इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो वाई का क्लोजिंग बैलेंस करंट अकाउंट का ये बचेगा 1,01,000 रुपये। वर्किंग नोट ऑलरेडी समझ चुके हैं, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बना लिए ऑलरेडी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पिंग रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।